प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अविनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता के तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वे हैं दो फलनों के संयोजन की संततता, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, अवकलज के बीजगणित, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलज, अवकलनीयता यानी डिफरेंसिबिलिटी और अंतराल में अवकलनीयता यानी डिफरेंसिबिलिटी इन एन इंटरवल। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने सततता को बहुत ध्यान से पढ़ा था। आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँ इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स बराबर ये लिखा है। एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि यदि एक्स लेस देन टू, अगर एक्स का मान 2 से कम रखा जाए तो आप देखिए फलन में एफ एक्स का कितना मान होगा। जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो फलन का ये मान है, तो एफ एक्स का मान होगा कितना, एफ एक्स बराबर 2x+3। यदि एक्स ग्रेटर देन 2 रखा जाए, देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 पे फलन का मान है 2x-3, तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू 2x-3। आप ये समझ रहे हैं कि 2x+3 और 2x-3 दोनों बहुपदीय फलन है। पिछले भाग में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये क्या है, बहुपदीय हैं। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं, बहुपदीय फलन सतत फलन होते हैं। क्योंकि बहुपदीय फलन सतत होते हैं, दिस इंप्लाई एक्स लेस देन 2 तथा एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए एफ सतत होगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ यह दिखा लिया कि अगर x का मान 2 से छोटा है या x का मान 2 से बड़ा है तो फलन हमारा सतत है। अगर मैं यहाँ रियल लाइन बनाऊँ तो बीच में कहीं 2 है, इसका मतलब कि 2 से कम पे भी सतत है, 2 से ज़्यादा पे भी सतत है। सिर्फ एक बिंदु बचा, वो बचा x=2। तब हम लोग x=2 पे सततता चेक करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2-fx क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2-h। ध्यान दीजिएगा, x के जगह पे है 2-h, यह चीज़ 2 से छोटा है, जब 2 से छोटा है तो फलन का यह मान है। हम लोग करना क्या है, बस इसमें x के जगह पे 2-h भर देना है, भर देते हैं, मिलेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2-h और +3, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 7-2h, कितना हो जाएगा 7-2h। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम x=2 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2+fx, कैसे निकालते हैं, तो ये होगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2+h। 2+h 2 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाली है, क्या मिलेगी, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2+h-3, ये हमको कितना देगा, देखिए
लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो 1 प्लस 2h, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दिख रहा है 7, राइट हैंड लिमिट आपको दिख रहा है 1। जरा फलन का मान निकालते हैं f2, देखते हैं कितना होगा, इसमें 2 भर दीजिए, ये आ जाएगा 7। आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 7, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 7। फलन x बराबर 2 पे सतत तब होता जब x बराबर 2 पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फलन का मान आपस में बराबर आता है। लेकिन आप यहाँ ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है, राइट हैंड लिमिट अलग आ रहा है। इसका मतलब और इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पे फलन सतत नहीं है। एक्चुअली x बराबर 2 पे फलन की सीमा ही नहीं आ रही है, और जब फलन की सीमा ही नहीं आ रही है तो सततता की बात हम लोग कर ही नहीं सकते। बच्चों अब एक प्रमेय देखते हैं, यदि f तथा g वास्तविक मानी फलन है तब f और g का संयोजन कंपोजिशन f ओ g किसी बिंदु c पे संतत होगा यदि बिंदु c पर g तथा जी सी पर f संतत हो। बच्चों आप लोगों ने अध्याय एक में दो फलनों का संयोजन बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होगा, जरा उसको याद करिए। एक सेट है P, दूसरा सेट है Q और तीसरा सेट है R। सेट P से Q पर एक फलन हुआ करता था G, Q से R पे एक फलन होता था F। तो P से R का जो फलन था उसे आप लोग डिनोट करते थे किस से, F O G से, और इसे कहते थे G और F का संयोजन फलन। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिंदु C पर G सतत है। एक्चुअली C G के प्रांत का एक बिंदु है। अब C का प्रतिबिंब कितना होगा, C का प्रतिबिंब होगा जी सी। तो आपसे कहा जा रहा है कि फलन F बिंदु जी सी पर सतत है। एक्चुअली यहाँ जी सी क्या है, जी सी फलन F के प्रांत का एक बिंदु है। तो प्रमेय कह रहा है क्या कि यदि बिंदु C पर G तथा जी सी पर F सतत हो तो F O G बिंदु C पर सतत होगा। इसका मतलब हुआ जो फलन F O G है वो बिंदु C पर क्या होगा, सतत होगा। अगर इसको व्यवहारिकता में एक लाइन में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि अगर दो सतत फलन दिए हैं तो उनका संयोजन भी क्या होगा, वो भी एक सतत फलन होगा। एक उदाहरण लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे एफ एक्स माने साइन एक्स को, जी एक्स माने एक्स स्क्वायर को। तो आपको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों ही सतत फलन है। जब दोनों सतत फलन है तो इनका संयोजन कितना होगा, इनका संयोजन होगा साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर भी क्या है, इसलिए सतत है। अब हम थोड़ा सा कच्छेगार की बात फिर करने जा रहे हैं। माना f एक वास्तविक फलन है तथा c उसके प्रांत का एक बिंदु है, तो बिंदु c पर अवकलज यानी डेरिवेटिव निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये चीज़ बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि सीमा अस्तित्व में हो, अगर सीमा ही अस्तित्व में नहीं होगी तो ये परिभाषा सही नहीं मानी जाएगी। यानी अवकलज तभी परिभाषित होगा कब, जब ये सीमा अस्तित्व में हो। आपने इसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा है ऐसा मुझे विश्वास है। उसके बाद आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़ा फर्स्ट ईयर से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। y बराबर एफ एक्स एक फलन हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट एच, जबकि सीमा का अस्तित्व हो। बच्चों इसी चीज को आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलज के नाम से आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है कि ये जो सिंबल f डैश x है इसको आप d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं, या f डैश x हम लोग लिखे ही हैं, या इसका एक सिंबल और चल सकता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स भी चल सकता है इसका सिंबल, या y डैश भी इसका सिंबल हम
ले सकते हैं। ध्यान देंगे जो अभी जो अवकलज हमने दिखाया था, जो एफ डैश सी की बात हम लोगों ने किया था, वो अवकलज बिंदु सी पे था, ये अवकलज बिंदु सी पे नहीं है, ये अवकलज बिंदु एक्स पे है। अब प्रथम सिद्धांत के अवकलन का उपयोग करके आपने कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलन किया होगा और उसको सूत्र के रूप में याद किया होगा, इसकी आपको आगे बार बार जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद अवकलज के बीजगणित, ये भी आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया है कि u बराबर एफ एक्स और v बराबर जी एक्स दो फलन है, तो आपने पढ़ा होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v बराबर d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, ये आपको याद भी होगा। साथ ही d बाई डी एक्स ऑफ u भी बराबर u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब पहले फलन को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करके गुणा कर देंगे, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले फलन का अवकलन करके गुणा कर देंगे, इसे लेबनीज या गुणन नियम भी कहते हैं। अगला d बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी वी डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ भी अपान भी स्क्वायर, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जहां भी बराबर ना जीरो, इसको हम लोग कई बार समझ चुके हैं कि अगर भी जीरो हो जाएगा तो फलन u बाई भी परिभाषित नहीं होगा, तो आप बच्चों इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा और ठीक से याद कर लीजिएगा। अब नई चीज़ जो हमारे सेकेंड ईयर की चीज़ दिख रही है, अवकलनीयता यानी डिफरेंसिबिलिटी। हम आपको यहाँ दो नई परिभाषाएं आपको याद करा रहे हैं। माना f एक वास्तविक फलन है तो किसी बिंदु c पर दाएं पक्ष का अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान देंगे इसका सिंबल होता है r f डैश c, r मीन्स राइट, f डैश c मतलब अवकलज की बात हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको राइट इसलिए बोला गया है कि अगर मैं ये बिंदु c लिखूं तो आप इसमें c प्लस एच ले रहे हैं, यानी c से आप राइट साइड में जा रहे हैं, c प्लस एच आपको यहाँ मिलेगा, इसलिए इसका नाम है राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तथा c पर बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या होता है, L f डैश c, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f c माइनस h माइनस एफ सी और अपान माइनस h। ध्यान देंगे अगर c है तो c कहाँ होगा, यहाँ है c माइनस h कहाँ होगा, c माइनस h थोड़ा सा पहले होगा, जो कि c के लेफ्ट में है, इसलिए इसका नाम क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब ध्यान देंगे जहाँ भी हमने अवकलज लिखा, चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में, वहाँ नीचे लिखा जहाँ सीमा का अस्तित्व हो, इसका मतलब यह है कि कहीं अगर सीमा का अस्तित्व न हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब बिंदु C पर फलन अवकलनीय कहा जाता है यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई फलन दिया हो, कोई बिंदु दिया हो, कहा जाए बताइए इस बिंदु पे फलन अवकलनीय है कि नहीं, आपको करना क्या है, बिंदु C पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, बिंदु C पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और ये देखना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वही परिभाषा जो हम लोगों ने अभी लिखा था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे बिंदु C पे फलन अवकलनीय नहीं है, अगर बराबर आ गए तो हम बोलेंगे बिंदु C पे फलन अवकलनीय है। अच्छा, अब जो दोनों ये बराबर आ गए, दोनों परिमित आएंगे, तो जो ये उभयनिष्ठ मान है उसे कहते हैं C पर फलन का अवकलज, और इसे एफ डैश सी से प्रदर्शित करते हैं। एफ डैश सी कितना होता है, तो ये होता है कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए इसमें x के जगह पे आप c प्लस एच रखेंगे, उसी के हिसाब से आप लिमिट को बदलेंगे तो आपको ये राइट हैंड डेरिवेटिव दिख जाएगा आपको। जब आप x के जगह पे c माइनस एच भरेंगे और लिमिट को चेंज करेंगे तो यह चीज़ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट लिमिट आपको दे देगा। तो जो ये दोनों का उभयनिष्ठ मान है उसी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बच्चों याद भी रखना है। फिर हम फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ डैश सी वक्र वाई बराबर एफ एक्स के बिंदु एक्स बराबर सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यानी एफ डैश सी या डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर सी इजकल टू एम, जहां एम क्या है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कैसे। ये एक वक्र है, ये वक्र है y बराबर एफ एक्स। अगर हम यहां स्पर्श रेखा खींचे, ये बिंदु को हम x बराबर c बोलें, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है। तो आपको रेखा की प्रवणता पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई रेखा x अक्ष के धन दिशा से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती हो तो टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। बिंदु C पर खींची गई ये स्पर्श रेखा x अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो m कितना होगा, m हो जाएगा टेन थीटा। तो अब आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आप m यानी टेन थीटा निकालेंगे बिंदु C पर वो और कुछ नहीं, वो एफ डैश सी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप दोहरा लीजिए। अब आगे देखिए कुछ नई चीज़ समझा रहा हूँ आपको। आपने देखा कि बिंदु C पे फलन अवकलनीय तब होगा जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हों। अच्छा, राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव आपस में बराबर हैं, ये बात आपने दिमाग में बैठा लिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी ही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अगर फलन अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या कि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं आएगा। जब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होता है तो एक्चुअली एक घटना और घटती है, और वो घटना ये है कि वक्र के उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आ जाती हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आने का मतलब हुआ कि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं है, यानी कि अगर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आएं तो हम एक कह सकते हैं क्या कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो आप याद कर लीजिए कि यदि बिंदु C पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बने तो वक्र बिंदु C पर अवकलनीय नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे हम आगे चीज़ आपको दिखाएंगे प्रूफ करके कि जो माड x का फलन होता है y बराबर माड x, ये सतत होता है। इस बिंदु पे अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान देंगे एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बनती हैं, इसलिए y बराबर माड x x बराबर जीरो पे कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। ये बात हम आगे आपको दिखाएंगे। इसका एक मतलब और हुआ, ये हुआ कि यदि किसी बिंदु पर फलन f अवकलनीय होगा यदि उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके। बच्चों ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है जो कंपटीशन में बहुत काम देने वाला आपके है कि आपको पता करना है कि अवकलनीय है कि नहीं है। तो आपको खाली ये पता चल रहा है कि उस पर एक ही स्पर्श रेखा बनने वाली है तो आप बोल सकते हैं क्या कि फलन उस बिंदु पे अवकलनीय है। अगली बात, अंतराल में अवकलनीयता। जैसे हम लोगों ने अंतराल में सततता पढ़ा था वैसे हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं अंतराल में अवकलनीयता। देखिए
एक वास्तविक फलन एफ बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय कहा जाता है यदि एफ खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, अर्थात ए और बी के बीच के सभी बिंदुओं पे क्या हो, अवकलनीय हो। ये हूबहू ऐसे ही दिख रहा है जैसे हम लोगों ने सतत्ता में पढ़ा था। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए और बी के बीच जितने बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पे अवकलनीय होना चाहिए। अगला, ए पर दाएं पक्ष से यानी राइट साइड से अवकलनीय हो, अर्थात आर एफ डैश ए की वैल्यू परिमित होना चाहिए यानी कि अस्तित्व में होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट वाले को कहाँ छोड़ देना है। यह चीज़ सतत्ता में भी समझी गई थी, ध्यान देंगे। ए पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ ए माइनस एच हो जाता है। अब याद करिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपान माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते समय ए माइनस एच निकालना पड़ेगा यानी ए से लेफ्ट जाना पड़ेगा यानी आपको अंतराल ए बी से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन फलन अंतराल ए बी में ही परिभाषित है इसलिए हम उस अंतराल ए बी से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात नहीं की गई है, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव लिया गया। उसी प्रकार से बिंदु बी पर बाएं पक्ष से यानी लेफ्ट साइड से अवकलनीय हो, अर्थात लिमिट अर्थात एल एफ डैश बी बराबर इतना परिमित हो यानी कि अस्तित्व में हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछा गया बार बार, क्या यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पे सतत भी होगा। अगर किसी बिंदु पे अवकलनीय है तो सतत भी होगा, इसकी गारंटी दे रहा है ये प्रमेय। देखिए उपपत्ति देखते हैं इसका है, माना फलन एफ किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो अवकलनीयता की परिभाषा के हिसाब से हम लोगों ने यही एफ डैश सी रखा था। तो जब ये अवकलन है इसकी वैल्यू एफ डैश सी है और ये क्या है, परिमित है, इसको मैं एक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ एफ एक्स माइनस एफ सी, इस वैल्यू को मैं जरा कंसीडर कर रहा हूँ। कैसे, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी कर दे रहा हूँ और इसमें एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इसकी सीमा मैं ले रहा हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। तो इधर भी मुझे लेना होगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लिमिट दो जगह बढ़ जाता है, आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी। यह चीज़ क्या है, यह चीज़ है एफ डैश सी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश सी और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सी एक्स टेंडिंग टू सी, ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। ध्यान देंगे एफ डैश सी परिमित है, इसकी वैल्यू दो चार छः दस पाँच सात 5.1 इस टाइप से होगा यानी परिमित होगा, तो जब इसमें जीरो का गुणा करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। तो हमको क्या मिला, हमको मिला देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर जीरो। एफ सी को राइट में कर दें तो मिलेगा हमें क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि बिंदु सी पर सीमा का मान बिंदु सी पे फलन के मान के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि फलन x बराबर सी पर क्या है, सतत है। देयरफोर f x बराबर सी पर सतत है।
अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अवगणनीय है तो सतत हो गया, लेकिन क्या सतत है तो वो अवगणनीय होगा? हम इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम माट एक्स फलन को लेते हैं। माट एक्स फलन को हम लोग कई बार देख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है ये। देखिए, ये वाई बराबर माट एक्स का कर्व है। हम इसको पिछले भाग में देख चुके हैं कि हर जगह सतत फलन है, यहाँ भी सतत है, जीरो जीरो पे भी सतत है ये। तो हमारा मॉड एक्स एक्स बराबर जीरो पे सतत है, हम ये जान रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि मॉड एक्स एक्स बराबर जीरो पर सतत होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब हम अवकलनीयता चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, आर एफ डैश जीरो, जीरो पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने जा रहे हैं। परिभाषा आपको याद हो चुका है, लिमिट एच टर्निंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपान एच। एफ जीरो प्लस एच मॉड एच कितना होगा, ये लिमिट एच टर्निंग टू जीरो मॉड एच माइनस जीरो बटे एच, ये कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h बाई एच, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एक आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, l f डैश जीरो बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपान माइनस एच, देखिए कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये हो जाएगा मॉड माइनस एच माइनस जीरो अपान माइनस एच, तो कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपान माइनस एच, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। हम लोगों ने देखा क्या कि राइट हैंड डेरिवेटिव एक आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस एक आ रहा है, तो क्या फलन अवकलनीय हुआ, फलन अवकलनीय नहीं हुआ, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों बराबर आने चाहिए। तो हमने यहाँ ये देख लिया क्या, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन सतत था। तो ये हमारी बात सिद्ध हो गई कि फलन अगर सतत है तो वो अवकलनीय होगा, यह जरूरी नहीं है। हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने जो पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके बाद बहुत जल्द हम लोग अपने सांतत्य एवं अवकलनीयता के चौथे भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।